तो ऑलरेडी देख चुका है so आज मैं आपके साथ करने वाली मित्रा का टॉप शर्ट्स एंड पैंट काफी अफोर्डेबल प्राइस में एंड काफी अच्छा क्लासी लुक लाता है तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं so पहला जो पार्सल है आई थिंक ये शर्ट है चलिए इसको ओपन करके देखते हैं तो यस गाइस तो ये शर्ट है एंड इसका जो प्राइस है ये सिक्स फिफ्टी रुपीज का है गाइस ये एल साइज में मैंने ऑर्डर किया है पहन के देखे ये कैसा होता तो है उससे पहले देखते हैं ये कैसा आया है सो गाइस अगर मटेरियल देखा जाए तो ये क्रैप मटेरियल का है कॉटन नहीं है क्रैप मटेरियल में है एंड काफी अच्छा है कलर कॉम्बिनेशन काफी प्यारा दिख रहा है एंड जिसमे आप देख सकते हैं प्रिंट जो है वो काफी अच्छा है काफी क्लासी लग रहा है स्टिचिंग वगैरह भी काफी सही है गाइज एंड इसमें बहुत सारा कलर ऑप्शन था सो मैंने ये कलर चूज किया एंड ये मैंने एल साइज में यूजली मुझे एल साइज ही होता है सो मैंने यहाँ पे एल साइज मंगाया है एंड आप स्टिचिंग uh, भी देख सकते हैं स्टिचिंग भी काफी uh, अच्छा है काफी सही है सो so, पहन के देखते है कैसा दिख सो गाइज ये शर्ट पहनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है बैक साइड से भी देख सकते हैं फ्रंट से काफी सही लग रहा है काफी क्लासी लुक लग रहा है एंड कलर जस्ट सो इसके साथ अगर कुछ स्काई ब्लू कलर का पैंट पहना जाए तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा बट मेरे पास अभी फिलहाल स्काई ब्लू कलर का पैंट नहीं था तो मैं यहाँ पे नेवी ब्लू कलर का पैंट पहनू बट काफी सुंदर है गाइज काफी अच्छा लग रहा है सो so गाइज इसका लेंथ कुछ इतना है एंड अगर आप इसको इस तरह से पहनना चाहते हो तो आप इस तरह से भी पहन सकते हैं तो so, दूसरे पार्सल की तरफ बढ़ते हैं चलिए इसको भी करते हैं वाओ कलर इज ऑसम गाइज गाइज आप कलर देख सकते हैं ये ब्राउन कॉफी ब्राउन कलर का है एंड इसमें व्हाइट एंड लाइट ब्राउन कलर का प्रिंट दिया गया है ये सिल्क मटेरियल में है कपड़ा काफी अच्छा है गाइज एंड हाँ इसे मैंने एक एल साइज पहले ऑर्डर किया था बट एल एल साइज मुझे छोटा हुआ तो मैंने इसे एक्सएल साइज सो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगी कि आप एक साइज अप जाए एंड काफी अच्छा है इसका स्लीव्स आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे इस तरह से प्रिंट दिया गया है इसका स्लीव्स में बटन्स भी जो है वो काफी अच्छा है स्टिचिंग वगैरह काफी अच्छा है क्लोथ मटेरियल काफी सॉफ्ट एंड काफी प्यारा है एंड प्रिंट तो जस्ट है होगा सो so, चलिए पहन के देखते हैं ये भी कैसा लुक लाता है ये शर्ट पहनने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा काफी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं काफी सुंदर है काफी डिसेंट है एंड ऑफिस वेयर के लिए तो थम्स अप गाइस काफी अच्छा लग रहा है एंड फिटिंग भी काफी अच्छा है स्लीव्स इस तरह से पफ है थोड़ा आप देख पा रहे हो थोड़ा इस तरह से लूज स्लीव्स है एंड काफी सुंदर है सो so, इस तरह से लेंथ आएगा इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा है सो so, ये काफी सुंदर लग रहा है गाइस मुझे काफी पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा सो so, आप भी अगर लेना चाहते हैं आपको भी पसंद आया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एंड आप वहां से डेफिनेटली बाई कर सकते हैं काफी सुंदर है गाइस चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्सल की तरफ जो थर्ड मैंने ऑर्डर किया है वो एक पैंट है एंड ये वाइट कलर का पैंट है सो तो ये मैंने एस साइज में ऑर्डर किया चलिए देखते हैं इसका जो प्राइस है गाइस वो सिक्स वन वन रुपीज का है तो गाइस पैंट का मटेरियल तो काफी सही है काफी अच्छा पैंट का मटेरियल है ये वाइट लेग अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे वाइड लेग पैंट है ये का पीछे से अगर देखा जाए तो ये पूरा इस तरह से इलास्टिक दिया गया है तो काफी अच्छा फिटिंग भी आने वाला है फ्रंट से इस तरह से बेल्ट है एंड यहाँ पे इस तरह से पॉकेट्स दो दिया गया मटेरियल इज वेरी गुड गाइस पूरा जींस टाइप का डेनिम जींस का मटेरियल है मटेरियल काफी अच्छा है बस पहनने के बाद अभी कैसा दिखता है देखते हैं सो गाइज आप यहाँ पे पैंट का फिटिंग देख सकते है काफी सही है गाइज काफी अच्छा है मटेरियल इज जस्ट वाओ एंड वाइट लेक काफी अच्छा लग रहा है क्लासी लुक लग रहा है बट जो प्रॉब्लम है इस जीन्स में मुझे ये यहाँ पे ये ज़्यादा टाइट हो जा रहा है एंड मैं बेल्ट काफ़ी मुश्किल से ये बटन लगा पाई हूँ ये बहुत ज़्यादा टाइट है मेरे लिए सो so, मुझे लगता है मुझे अगर एम साइज़ ऑर्डर करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा होता तो मैं तो ये एक्सचेंज करने वाली हूँ बट इस प्राइस में काफ़ी सही है इस काफ़ी प्यारा दिख रहा है एंड बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है काफ़ी सही है जीन्स मटेरियल का है काफ़ी अच्छा लग रहा है So big thumbs up for this.